हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। हम इस चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस के माध्यम से बच्चों पढ़ रहे थे क्लास 9th की मैथमेटिक्स, जिसमें पॉलिनोमियल्स में हमने आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ा दिया था। पॉलिनोमियल्स का एडिशन, पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये बता दिया था। आज हम डिवीजन में ही कुछ और भी बातें करेंगे। हमने देखा था कि कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मान लीजिए कि एक्स टू द पावर 4 माइनस का 1, और उसको x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने के बाद कुछ हमें रिमाइंडर मिल रहा था। हो सकता है कि डिवाइड करने के बाद हमें कोई रिमाइंडर ना भी मिले। तो अब हमारे पास जो नया पैटर्न आएगा, वो नया पैटर्न ये आएगा कि कोई पॉलिनोमियल देगा और कहेगा उस पॉलिनोमियल में इससे भाग देने पर, कोई हमारा भाजक दे देगा जिसे हम भाग दे रहे हैं, तो वो भाजी बराबर भाजी गुड़े भाग कर भाजी बराबर भाजी गुड़े भाग कर धन से स्वर, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। बच्चों, हम इस चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे थे क्लास 9th की मैथमेटिक्स। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि कोई भी पॉलिनोमियल्स का हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कैसे करेंगे। आज हम उसी डिवीजन में देखेंगे, जैसे पिछले एग्जांपल्स को अगर थोड़ा ध्यान में दिया जाए, x माइनस 1 से मैंने डिवाइड किया x स्क्वायर माइनस 1 को, ठीक है बच्चों। डिवाइड करने के बाद हमने क्या देखा था कि x से डिवाइड किया तो x स्क्वायर माइनस x हो गया। फिर हमने देखा कि घटा रहे हैं तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया बच्चों। ये x माइनस 1 हो गया तो प्लस 1 से फिर डिवाइड किया तो x माइनस 1, ये प्लस और ये माइनस, ये खत्म, आंसर 0। तो यहाँ देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस भाजक से जब हम भाग दे रहे हैं इस भाज्य में, तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, और पूरा पूरा अगर कट जा रहा है तो ये क्या होगा, ये जो x माइनस 1 है वो इसे x स्क्वायर माइनस 1 का एक फैक्टर होगा, ठीक है। अभी फैक्टर की बात अगले लेक्चर में करेंगे, पहले अभी जो बात मुझे करनी है वो समझिए कि x माइनस 1 से अगर x स्क्वायर माइनस 1 में भाग दिया तो शेषफल मेरा 0 आ गया। तो इस बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 का एक फैक्टर होगा। अच्छे करिए थोड़ा सा बेसिक चीजों को समझते हुए, x स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। आप देखिए बच्चों, एक्स माइनस वन इसमें है, ठीक है। तो जब किसी भाजक से अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं, ठीक है, तो भाग देने के बाद अगर हमारा शेषफल 0 बनता है, तो हम कहेंगे कि यह जो संख्या है, यह जो दिया गया हमारा भाजक है, यह जो हमारा रैखिक समीकरण है, सॉरी रैखिक बहुपद है, वो क्या है, वह इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, उसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड आप जैसे मैथमेटिक्स में पढ़े थे, जैसे 12 के गुणनखंड, 2 × 4 = 12, यानी ये 12 कौन कौन सी संख्या से कट रहा है, यानी कि ये 12 2 से भी कट जाएगा, ठीक है, ये 12 4 से भी कट जाएगा, ये 12 6 से भी कट जाएगा, ये 12 खुद 12 से भी कट जाएगा, तो ये उसके गुणनखंड बन रहा है। उसी तरह से x स्क्वायर माइनस 1 के भी गुणनखंड बनेंगे, उसका सरलतम रूप होगा, और x स्क्वायर माइनस 1 का सरलतम रूप क्या मिलेगा बच्चों, x माइनस 1 x प्लस 1। तो आज हम देखेंगे कि हमारे सामने क्वेश्चन किस तरह आएंगे। क्वेश्चन ये आएंगे कि कोई आपको भाजक दे देगा, कहेगा कि बताइए कि x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है, दिखाइए। तो आपको करना क्या होगा, बिना भाग दिए बताना होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे, और मैं आज शुरू करूंगा आपको फैक्टराइजेशन, गुणनखंड की कुछ बेसिक बातें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस बात की मैंने आपसे कुछ सेकंड पहले जो मैंने बात कही है, उस पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन से। जांच कीजिए कि क्या x प्लस 2 x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 का एक गुणनखंड है। यह हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, और बता रहा है कि क्या यह जो वैल्यू दी गई है, यह जो पॉलिनोमियल है, क्या यह इसका एक फैक्टर बनेगा, यह हमें बताना है। तो देखिए, इसके लिए हमें करना क्या होगा, ध्यान से समझिए मेरी बात को। सबसे पहले बिना भाग दिए हमें चेक करना है, ठीक है, भाग नहीं देना है। अगर हम भाग देंगे भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम भाग देके नहीं चेक कर रहे हैं तो भी हम कर लेंगे। तो पहले मैं भाग देके आपको सिखा रहा हूँ, भाग देके करेंगे। अगर क्वेश्चन कहता है कि भाग देके नहीं करना है, तब आपको जिस तरह मैं दूसरा मेथड बताऊंगा उसके हिसाब से करना पड़ेगा। अभी बच्चों सिर्फ
बिना भाग दिए बता रहा हूँ, भाग दे करके बता रहा हूँ, सॉरी। अब ध्यान दीजिए, इसका पहला पद क्या है, एक्स क्यूब, इसका पहला पद एक्स, तो एक्स स्क्वायर मार देंगे, गुणा करिए, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये, जो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे उनको किए होंगे, और जो मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखे होंगे। तो प्लीज़ अगर इस चैनल पर नए हो तो पहले उन पिछले वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिए, आलम फाउंडेशन क्लासेस यूट्यूब पर टाइप करिए और प्लेलिस्ट से देख लीजिए क्लास 9 की मैथमेटिक्स। चलिए बच्चों, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ये खत्म, 6 में से 2 जाएगा, सॉरी 8 में से 2 जाएगा, 6x² प्लस 9x। अब इसमें डिवाइड करना होगा, x से डिवाइड करना होगा 6x² में, तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 6x बार जाएगा, 6x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x² कैसे किया मैंने, मैंने आपको बताया था कि 6x² पहले वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड करिए, x से 1x डिवाइड होगा तो क्या बचेगा बच्चों, 6x। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ प्लस 6x का 2 में करिए तो 12x, फिर अब सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस खत्म, 12 में से 9 जाएगा 3, माइनस 3x प्लस 9x हो जाएगा, ठीक है। अरे वाह, क्या गलती हुई, देखिए 12 में से 9 जाएगा तो 3x हो गया, ठीक है बच्चों, 9x तो हम उतार चुके हैं, ठीक है। अब क्या उतरेगा, 6 उतरेगा ना, माइनस का 6, अच्छा अब क्या होगा, यानी कि माइनस 3x में x से डिवाइड करना है, तो माइनस 3x में x से डिवाइड करिए, x कट जाएगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, तो माइनस 3x और माइनस का 6 होगा, ठीक है, घटाएंगे तो ये प्लस और ये प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि x प्लस 2 क्या है बच्चों, x प्लस 2 x क्यूब प्लस 8x² प्लस 9x माइनस 6 का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, तो ये बात तो हो गई, ठीक है बच्चों। अगर कुछ ना समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा मेथड क्या करेंगे, दूसरे वाले में क्या करना है आपको, जिसके बारे में कह रहा है कि क्या है x प्लस 2 उसका एक गुणनखंड है, तो आप क्या करिए, चूंकि x प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 8x² प्लस 9x माइनस 6 का एक गुणनखंड है, ठीक है, आप ऐसे करिए, यदि आपको ये नहीं कह रहा है कि इफ दिस इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, अगर ये एक्स प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो क्या होगा, तो एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, आप इस पूरे की वैल्यू 0 के इक्वल करिए, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करिए, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, माइनस का 2, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू आपको माइनस का 2 मिला हुआ है उसको ले जाकर के इसमें पुट कर लीजिए, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 2 बहुपद में रखने पर तो क्या हो जाएगा, रखिए यहाँ पे x की जगह माइनस 2 का क्यूब प्लस 8x की जगह माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि इस पूरे का शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, अगर हम उसको x की जगह माइनस 2 रखेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। आप इसको px करके मान सकते हैं या बराबर करके 0 लिख सकते हैं, या मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं, आपने क्या किया है बस x की जगह 0 रखा है, 2 माइनस 2 रखा है, सॉरी x की जगह आपने क्या रखा है, माइनस 2 रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 का माइनस 8 हो जाएगा, माइनस का 3 बार गुणा, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस का मैंने कहा था विषम बार गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है, 2 का घन क्या होगा 8, और ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 8 चौको 32, 9 दुना 18 माइनस का और माइनस 6, 18 6 कितना होगा 24, 24 8 कितना होगा बच्चों, ये तीनों जुड़ जाएगा, देखिए ये माइनस है ये भी माइनस है, समान चिन्ह वाले हैं जुड़ जाएंगे, माइनस 32 प्लस 32, तो शेषफल क्या आ गया बच्चों 0। अगर x इक्वल टू माइनस 2 रखने पर ये पूरा बहुपद 0 हो जाता है तो आप कहिएगा यही बात कि x प्लस 2 x क्यूब प्लस 8x² प्लस 9x माइनस 6 का ये गुणनखंड होगा। तो बहुत सिस्टमेटिक वे में आपको समझाया मैंने, अगर आपसे कह दे कि जांच करके बताए कि x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है, क्या गुणनखंड है, अगर आप x बराबर माइनस 2 रख रहे हैं और अगर 0 शेषफल नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे कि वो उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए अगर फैक्टर होगा तो उसे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा वो कट जाएगा, अगर फैक्टर नहीं होगा तो पूरा पूरा वो कटेगा नहीं, ठीक है बच्चों। ये बात है आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ इसको डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे ढंग से। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि शेषफल याद कीजिए, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है
यदि एक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50, इसको हम x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं। देखिए बच्चों, अगर ये जो x प्लस 3 है ना, अगर इसका फैक्टर होगा तो ये कंफर्म है कि मैं जब इससे इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और मुझे ये पता है कि रिमाइंडर 0 तभी होगा जब ये इसका फैक्टर, ये जो होगा इसका फैक्टर होगा, और x की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि शेषफल फाइंड करिए, रिमाइंडर फाइंड करिए, तो आपसे कह रहा है कि रिमाइंडर फाइंड करने को इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि x प्लस 3 इसका फैक्टर ना हो। अगर नहीं होगा तो रिमाइंडर कुछ डिजिट में आएगा आंसर, अगर होगा इसका फैक्टर, ये इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी दो बातें हैं, अगर मैं x की वैल्यू यहां से इसमें पुट करूं आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है और रिमाइंडर 0 हो गया, और अगर मैं यहां से x की वैल्यू इसमें रखूं और रखने के बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाए तो इसका मतलब कि x प्लस 3 इसका फैक्टर नहीं भी है और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आया ही। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे बच्चों, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, तो x प्लस 3 बराबर, चूंकि x प्लस 3 बराबर 0, आपको x प्लस 3 बराबर क्या कर लेना है, 0 कर लेना है। अब ये कंसीडर कर सकते हैं, माना कि आप ऐसे लिखिए, माना कि लेट अस कंसीडर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, x का मान दिए गए बहुपद में रखने पर जो x की वैल्यू है, तो जो पॉलिनोमियल हमें दिया है उसमें रखिए, तो क्या हो जाएगा, p x की जगह माइनस 3 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, x की जगह माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस का 3 प्लस 50। ध्यान से देखिए बच्चों, दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए जहां पे आपको जरूरत पड़ेगा वो ब्रैकेट का यूज करिएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, p माइनस का 3, ये हमारे लिए शेषफल का काम कर रहा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 का क्यूब माइनस 27 होगा, माइनस 3 गुणे माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27। ठीक है, और ये देखिए माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर, अगर ये सम संख्या है तो माइनस पर माइनस का दो बार गुणा, माइनस माइनस प्लस, और 3 का स्क्वायर 9, 9 त्रिका 27, माइनस 27 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी देखिए, प्लस 4 तिहाई 12 लिखिए, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 12 प्लस 50, ये जोड़ दीजिए क्योंकि सब सेम साइन के हैं, 27 गुना 54 होगा, 54 में 12 जोड़ दीजिए 64 हो जाएगा, ठीक 66 हो जाएगा, जोड़िए 7, 7, 14, 15, 16 को 6 बचा, 1, 2, 2, 4 और 1, 5, 5 और 1, 6, माइनस 66 प्लस 50, यानी हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ रहा है बच्चों, माइनस का 16। माइनस 16 रिमाइंडर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस 16 रिमाइंडर आने का यही मतलब है कि x प्लस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, और हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप रिमाइंडर बताइए, हमने रिमाइंडर भी बता दिया बिना भाग दिए, ध्यान से समझिएगा। आप रिमाइंडर बताने का एक और तरीका, आप इससे इसको डिवाइड कर लीजिए, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, ये थोड़ा इजी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए इसको हम अप्लाई करेंगे, तो प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि बहुपद ax³ + 3x² - 3 को, ध्यान से समझिए, ax³ + 3x² - 3 को x-4 से डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर 6 बचता है। ठीक है बच्चों, आपको रिमाइंडर भी दे दिया है, तो आपसे पूछ रहे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू क्या होगी, सोचिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करेंगे भैया, माना कि आपको वही काम करना है, माना कि x इक्वल टू x-4 = 0, क्योंकि x-4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू को हम 0 के इक्वल कर लिए, x की वैल्यू क्या मिल गई, 4। अब x की वैल्यू अगर इसमें 4 रखेंगे तो जो रिमाइंडर आना होगा वो आ जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 4 बहुपद ax³ + 3x² - 3 में रखने पर, तो क्या होगा बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा रखने पर, तो एक a इंटू जहां x है वहां 4 रखा, 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू, रिमाइंडर 0 तब होता जब इसे डिवाइड करने पर पूरा पूरा कट जाता, यहां रिमाइंडर हमें गिवन है 6, क्योंकि हम जब x की वैल्यू रखते हैं इस बहुपद में तो हमें क्या मिलता है, शेषफल ही मिलता है ना,
और वो शेषफल कितना दिया हुआ है 6, क्योंकि ये पूरी वैल्यू रखने के बाद हमें क्या मिलना था, यहाँ बराबर करके हमें क्या लिख सकते हैं शेषफल, क्योंकि हम जब x बराबर 4 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा शेषफल ही तो मिलेगा। अब वो शेषफल कितना दिया हुआ है हमें 6 दिया हुआ है। अब सॉल्व करिए, 4 चौक 16 चौक 64 ए हो जाएगा प्लस 4 चौक 16 16 48, ठीक है बच्चों 48 माइनस 3 इक्वल टू 6, 48 में से 3 माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों 48 में से 3 माइनस करेंगे तो 45 होगा, 45 उधर जाएगा तो 6 माइनस 45 हो जाएगा, यहां से 64 ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 में से 6 को आपको क्या करना है माइनस करना है, तो 45 में से 6 माइनस करिए कितना हो जाएगा बच्चों 39 होगा, तो a इक्वल टू क्या हो गया माइनस 39 अपॉन 64, a की वैल्यू अगर हम माइनस 39 अपॉन 64 रखें तो x इक्वल टू 4 रखने पर इस पूरे पॉलीनोमियल में हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा बच्चों 6 आएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको देखिए यहां पर रिमाइंडर फाइंड करने के लिए नहीं कह रहा है, यहां रिमाइंडर आपको दे चुका है, पॉलीनोमियल दे चुका है, जिससे डिवाइड कर रहा है वो दे चुका है, आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें जो की कांस्टेंट इसने लिया है उसकी वैल्यू, कभी के लिख देगा, ए लिख देगा, पी लिख देगा, क्यू लिख देगा, उसकी वैल्यू पूछ लेगा। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, के का मान ज्ञात कर रहे हैं यदि एक्स प्लस 3 बहुपद एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स पे पावर क्यू माइनस 11 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड है, तो क्या करना होगा पहले लिखना होगा, माना कि क्या करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है तो k का मान ज्ञात करना है। एक बात ध्यान दीजिए, ये जो x प्लस 3 है वो इस पॉलीनोमियल का एक गुणनखंड है, एक फैक्टर है। तो अभी आपने पढ़ा है कि चूंकि x x प्लस 3 यदि क्या होगा, ऐसे लिखते हैं, यदि x प्लस 3 क्या होगा x पे 4 माइनस x क्यू माइनस 11 x स्क्वायर माइनस x प्लस k का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, तो शेषफल क्या आएगा बच्चों, अभी मैंने कुछ पल पहले बताया आपको, तो शेषफल क्या आएगा शून्य होगा, तो शेषफल शून्य होगा, तो क्या हो जाएगा तब क्या होगा x बराबर माइनस 3 रखने पर, x बराबर माइनस 3 रखने पर, रखिए जहां x है वहां माइनस 3 पे 4 घात होगा, जहां x है वहां माइनस 3 रखा, माइनस x की जगह माइनस 3 का होल क्यूब किया, माइनस 11 x की जगह माइनस 3 का स्क्वायर किया, माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है भाई। अब आइए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस 3 पे 4 घात है तो 3 का 4 बार गुणा, 3 3 9 3 27 81, तो ये प्लस 81 हुआ क्योंकि यहाँ सम संख्या है, तो सम अगर माइनस का सम यानी इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ देखिए यहाँ माइनस 27 आएगा, बाहर माइनस है तो प्लस 27, यहाँ देखिए माइनस 11 है बच्चों, माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा और 9 का 11 में मल्टीप्लाई है तो 99, और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये माइनस में छोड़ दीजिए इसको, ये प्लस में है, ये प्लस में और ये प्लस में छोड़ लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 27 और 3 30 होता है, 30 में 81 जोड़ दीजिए 111 माइनस 99 प्लस k इक्वल टू 0, चेक कर लीजिए 30 में 81 जोड़ लीजिए तो 111, ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा 111 माइनस 99 प्लस k इक्वल टू 0 से, ठीक है उसी को मैंने यहाँ लिखा है एक बार, यहाँ देखिए इन दोनों को सॉल्व करिए, 111 में से 99 घटाइए तो देखिए 99 और एक कितना होगा 100, और 100 से कितना ज़्यादा है 11 यानी 12 आएगा, देखिए एक में से 9 नहीं जाएगा लेकिन 11 में से 9 जाएगा तो 2 और 10 में से 9 जाएगा एक, बहुत अच्छी चीज़ है, तो 12 प्लस k इक्वल टू 0 यानी k बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 12। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें रिमाइंडर नहीं दिया था, ये जरूर एक बात कह रहा था कि ये जो x प्लस 3 है वो इस पूरे पॉलीनोमियल का एक गुणनखंड है, अगर वो उसका एक फैक्टर होगा बच्चों तो कंफर्म है कि उसमें से x की वैल्यू अगर मैं उस पॉलीनोमियल में पुट करूंगा जैसा कि मैंने किया है तो मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा बच्चों 0 मिल जाएगा, और उस रिमाइंडर को जब हम 0 कर लेंगे उस पूरे इक्वेशन के इक्वल 0 कर लीजिए, ऐसा नहीं कि मैं कोई इक्वेशन नया बना दे रहा हूँ, उसके बराबर 0 करने का मतलब इस पूरे का जो सोल्यूशन है इसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल होगा, और मैं उसको सॉल्व करूंगा तो k की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, जो कि मुझे क्या मिली है यहाँ पे।
चलिए अब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है ए और बी के मान बताइए यदि x माइनस एक एक्स प्लस दो बहुपद 2x 2 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस फोर के गुणनखंड है। कुछ समझ में आया कि x माइनस वन और x प्लस टू इन दोनों के दोनों इस पॉलिनोमियल के क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब होगा कि अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं तो शेषफल जीरो, इससे अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो शेषफल जीरो। तो क्या क्या रहा है, आप ए और बी का मान क्या कीजिए। देखिए कैसे करेंगे बच्चों, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले करेंगे माना कि पी एक्स इक्वल टू टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस फोर्टी। हमने जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ था, जो बहुपद दिया है उसको हमने पी एक्स, कोई बहुपद है जो एक्स के टर्म में, हमने पी एक्स के रूप में लिख दिया। ठीक है बच्चों, पी एक्स इक्वल टू टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस फोर्टी। यदि कह रहा है x माइनस एक इसका एक गुणनखंड है, ये दिया है, आप ऐसे यदि ना लिख करके लिख सकते हैं चूंकि x माइनस वन इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, और अगर x माइनस वन इसका एक गुणनखंड है तो x माइनस वन बराबर जीरो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, अब x बराबर वन यहां रखेंगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए, तभी तो फैक्टर है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया, वन। तब क्या करेंगे, x बराबर एक रखने पर, x बराबर एक बहुपद में रखने पर, बहुपद पी एक्स में रखने पर। ठीक है, पी एक्स में रखने पर, चलिए बच्चों रखते हैं, जहां पे हमें x है वहां पे वन रखना है, तो पी वन इजिकल टू टू इंटू वन का क्यूब प्लस ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन माइनस फोर्टी। ठीक है बच्चों, जहां जहां x है वहां वहां वन रखते हैं। चलिए, तो p 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब इस पूरे की वैल्यू 0 कर दिया हमने, इक्वल टू 1 का क्यूब 1 होता है तो 2 प्लस, ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर 1 होगा तो a प्लस b माइनस 14, माइनस 14 और 2 कितना होगा, माइनस 12, इधर आएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, तो यानी a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 12, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर से समझिए, कहता है कि x माइनस 1 x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल के गुणनखंड है, तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x माइनस वन से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। मैंने एक तरीका बताया था आपको कि किसी भी अभाजक से आप कैसे निकालेंगे कि उस भागफल में शून्य आएगा शेषफल की नहीं आएगा, तो आप x बराबर एक रखिए, जो उसका दिया हुआ है उसको जीरो कर लीजिए, उसको x माइनस वन एक गुणनखंड है तो इसको जीरो के बराबर करिए, जीरो के बराबर करने के बाद x की वैल्यू आपको मिलेगी, माइनस वन है तो इधर आएगा तो जीरो प्लस वन यानी वन। अब ये x की वैल्यू आप इसमें रख लीजिए, रखेंगे x की वैल्यू तो पूरे की आपको एक इक्वेशन मिलेगा, वो जीरो हो जाना चाहिए, उसका रिमाइंडर जीरो मैंने कर भी लिया है, तो एक इक्वेशन हमें मिला क्योंकि a और b के पदों में हमको ये इक्वेशन दिया हुआ है, उसका मान हमें पता नहीं है, वही हमें फाइंड करना है। तो एक इक्वेशन हो गया हमारा a प्लस b इक्वल टू 12, इसको नोट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको जल्दी नोट करिए बच्चों, हो गया, पॉज करके नोट कर लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात इसमें करेंगे, क्या करेंगे, ये तो मैंने पहला इक्वेशन बना लिया, अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, परंतु ऐसे लिखेंगे x प्लस टू क्या होगा, पी एक्स का भी एक गुणनखंड है, पी एक्स प्लस टू भी पी एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, यानी जो x प्लस टू है, x प्लस टू है वो भी तो इसका एक गुणनखंड है, तब क्या हो जाएगा, तब x प्लस टू इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू माइनस का टू। इस प्रकार, इस प्रकार x बराबर माइनस टू कहाँ रखने पर, पी एक्स में रखने पर, जो x की वैल्यू यहाँ से आएगी वो उस इक्वेशन में रख, उस पॉलिनोमियल में रखेंगे और पूरा उसका रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, तो पी टू माइनस का टू इक्वल टू, चलिए कहा गया टू x की जगह क्या रखेंगे, माइनस टू का क्यूब प्लस ए माइनस टू का स्क्वायर प्लस बी माइनस टू माइनस 14। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों फटाफट, पी माइनस टू रखने पर ये पूरा वैल्यू जीरो होना चाहिए, जीरो को इक्वल कर लिया, ठीक है, टू और माइनस टू का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस का एट प्लस, यहाँ देखिए माइनस टू का स्क्वायर टू होगा फोर होगा और फोर का एम गुणा करेंगे तो फोर ए माइनस टू बी, कैसे होगा समझ में आया है, प्लस माइनस माइनस होगा माइनस 14। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों फटाफट करिए, आठ दूना सोलह होगा, यहाँ पे माइनस 16
प्लस फोर ए माइनस टू बी माइनस फोर्टीन, ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस सिक्सटीन माइनस फोर्टीन कितना हो जाएगा माइनस थर्टी, माइनस सोलह माइनस चौदह जोड़ देंगे तो जीरो बराबर माइनस तीस धन चार ए माइनस टू बी। अब क्या करेंगे बच्चों, माइनस तीस को इधर लाएंगे तो माइनस तीस बराबर यहाँ हो जाएगा चार ए माइनस टू बी। दो से भाग दीजिए, पहले दो से भाग दीजिए या माइनस दो से भाग दे दीजिए, सॉरी गलती हुई है, देखिए माइनस तीस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, जब माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस होगा, चिन्ह बदल जाएगा उसका। अब दो से भाग दीजिए तो पंद्रह दो से भाग, यहाँ लिख दे रहा हूँ दो से भाग, ठीक है तो दो से भाग दिया बच्चों तो कितना हो गया पंद्रह बराबर दो ए माइनस बी, इक्वेशन नंबर सेकेंड, या आप लिख सकते हैं टू ए माइनस बी इज इक्वल टू फिफ्टीन, इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ लिखिए। तो ये दो इक्वेशन हमने बना लिए, ठीक है, क्योंकि ए और बी दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन बनेगा उनको सॉल्व करने के लिए, वन वेरिएबल रहता तो वन इक्वेशन से सॉल्व हो जाता। चलिए दोनों को नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट करिए फिर आगे आपको बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चों, हो गया। चलिए अब देखिए दोनों इक्वेशन को ध्यान से समझिए, ये दो इक्वेशन आपको मिल गए, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कहेंगे इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, इक्वेशन वन क्या है ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्वेल्व, ठीक है, इक्वेशन टू क्या है टू ए माइनस का बी इक्वल टू फिफ्टीन। चलिए बच्चों अब क्या करेंगे बच्चों, टू ए माइनस का बी इक्वल टू फिफ्टीन, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों हमारा, फर्स्ट इक्वेशन हमारा है ए प्लस बी इक्वल टू ट्वेल्व, इसको माइनस कर दे रहा हूँ, इसको माइनस कर दे रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऐड किया है तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, टू ए और ए कितना हो जाएगा थ्री ए, पंद्रह और बारह जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन। ध्यान से देखिए क्या दोनों जोड़ने पर ट्वेंटी सेवन हुआ, तो थ्री ए इक्वल टू ट्वेंटी सेवन, अब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री वन जा थ्री, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, ए इक्वल टू क्या हो गया बच्चों नाइन। अगर ए नाइन है तो इक्वेशन वन या इक्वेशन टू से आप बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन वन था इक्वेशन टू था, तो लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में पहले इन दोनों को हल करके देखिए, जो बराबर है जोड़ते समय ध्यान देना है कि कोई एक को कैंसिल करना होगा या तो बी को या तो ए को, तो कैंसिल किसको मैंने किया बी को, क्यों किया क्योंकि इनके कोफिशियंट सेम है, अपोजिट साइन है, जोड़ेंगे तुरंत कट जाएगा, और टू और वन कितना हो जाएगा थ्री ए, थ्री ए होगा, और बारह और पंद्रह सत्ताईस, तीन से कटेगा इधर जाएगा तो डिवाइड होगा ना, इसको मत काटिए, थ्री ए इक्वल टू ट्वेंटी सेवन, तो ए इक्वल टू क्या हो गया बच्चों ट्वेंटी सेवन बाई थ्री, ए इक्वल टू नाइन। अब ये ए की वैल्यू समीकरण एक में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर आप चाहे ए में रखिए चाहे बी में रखिए कोई दिक्कत नहीं, ए में रखिए तो कितना होगा ए प्लस बी इक्वल टू ट्वेल्व, से ए की जगह क्या रखना है आपको नाइन प्लस बी इक्वल टू ट्वेल्व, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वेल्व माइनस नाइन, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री, दिस इज योर आंसर, तो ए की वैल्यू नाइन और बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी थ्री। तो ये जो था ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का था, हम इसको पढ़ेंगे, इसको सॉल्व करना और अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि आज मुझे ये क्वेश्चन कराने थे इसलिए मैंने बताया, ये चूंकि आपने एट में पढ़ा होगा बच्चों, नहीं पढ़े तो मैं पढ़ाऊंगा उसको, परेशान ना होइए, ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे तो इनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, पॉज करके इन क्वेश्चन के सोल्यूशन को भी नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब यहाँ पर देखिए कुछ होमवर्क्स मैंने आपको लिखे हैं जो मैंने अभी तक पढ़ाया उससे रिलेटेड, मैंने पहला क्वेश्चन दिया है कि एक्स माइनस फाइव इस पूरे पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस थर्टीन का एक गुणनखंड है, ये आपको दिखाना है, प्रूफ करना है कि एक्स माइनस फाइव इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो क्या करेंगे बच्चों, आप इस पॉलिनोमियल में एक्स माइनस फाइव इसका एक गुणनखंड है तो एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो कर लेंगे, एक्स इक्वल टू फाइव करेंगे क्योंकि जब माइनस फाइव कितना जाएगा तो प्लस फाइव होगा, जहां एक्स है वहां पर फाइव रखिए, अगर पूरे की वैल्यू जीरो आती है तो कहिए कि वो उसका एक गुणनखंड है, और चूंकि आएगा भी क्योंकि ये कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको शो करना है कि ये इसका फैक्टर है, उसी तरह से सेम यही प्रोसेस इसमें भी करेंगे, ये x माइनस थ्री है तो x इक्वल टू थ्री रखेंगे, टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन ट्वेंटी फोर एक्स माइनस फोर्टी फाइव में, यहाँ पे x माइनस वन अगर इस पूरे का एक फैक्टर है तो x इक्वल टू वन रखना होगा जहां जहां x है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों k का मान बताना है, यह इसका एक गुणनखंड है, देखिए यहाँ जो डॉट डॉट है इसका मतलब समझिएगा कि ऊपर वाली बात ही लिखी गई है, ठीक है बच्चों। अब देखिए कह रहा है कि x प्लस फाइव टू एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस थर्टीन का एक गुणनखंड है, तो आप जहां x है वहां x प्लस फाइव है, आप ध्यान से समझिए x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो करिएगा तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस फाइव,
क्योंकि जब प्लस फाइव उतर जाएगा तो माइनस होगा। अब यहां जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस फाइव पुट करिएगा, आपको के की वैल्यू मिल जाएगी सेम, और पूरे की वैल्यू जीरो कर लीजिएगा क्योंकि इसका फैक्टर है तो इस पूरे का रिमाइंडर क्या देगा वो जीरो देगा। सेम क्वेश्चन का प्रोसेस यहां भी है, टू एक्स माइनस वन, यहां समझ लीजिए बच्चों, टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो टू एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको वन, तो वहां पे आपको टू एक्स हर जगह नहीं मिल रहा है, हर जगह आपको x मिलेगा, तो आपको x की वैल्यू निकालनी होगी, वो आएगी 1 बाई टू। तो अब आपको क्या करना होगा, इसमें जहां जहां x है वहां पे 1 बाई टू रखना होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a को x माइनस 4 से अगर डिवाइड किया जाता है तो शेषफल समान आता है, मतलब x माइनस 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो जितना रिमाइंडर आता है उतना ही रिमाइंडर इससे इसको डिवाइड करने पर होता है। तो अब आपको बताना है ए की वैल्यू क्या होगी। ये आपके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थोड़ा परेशान करेगा ये क्वेश्चन, पर आप मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग इसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं इसका आंसर। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, एक बार और नोट कर लीजिए, 9956633323। बच्चों आज मैंने जो पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़िए, फैक्टराइजेशन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप इसको अच्छे से पढ़िए और इस पर जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करिए, मुझे व्हाट्सअप करिए। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कर दीजिए, आप पुराने व्यूअर्स हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए और कमेंट करके बताइए, कमेंट जरूर करिए बच्चों, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। और थोड़ा अल्टरनेट में वीडियो आएगा, रेगुलर नहीं आ पा रहा है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन अभी अल्टरनेट में एक दो दिन के गैप पे जरूर आपको वीडियो, एक दिन के गैप पे तो मिलता रहेगा, ठीक है। आज चीज़ जितना दिया है आप इसको सॉल्व करिए, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।